तो आपको गेमिंग करनी है, ठीक है, गेमिंग करनी हो, एडिटिंग करनी हो, मल्टीटास्किंग करनी हो, ओवरऑल एक बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए, देन आज मैं कुछ ऐसे फोन्स बताने वाला हूँ और इनसे बेटर फोन्स मार्केट में नहीं है। हर एक फोन की अपनी एक स्पेशलिटी है, अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो सभी कुछ अच्छे से समझ लेना, बाद में मत कहना बताया नहीं। एंड लिसन, ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली। अगर एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला फोन चाहते हो तो बस वीडियो देखते रहो। गेमिंग फोन्स की लिस्ट शुरू करने से पहले कुछ एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स बता देता हूँ, डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे एक अच्छा फोन परचेस करने में। तो यार देखो, परफॉर्मेंस ये वर्ड जब भी दिमाग में आता है तो प्रोसेसर इसके ऊपर सबसे पहले ध्यान जाता है। अब देखो, प्रोसेसर नॉर्मली हम देख लेते हैं कि मीडियाटेक का है, स्नैपड्रैगन है 870, 695 या जो भी, लेकिन एक चीज जो कि आप लोग मिस कर देते हो, उसका चिपसेट साइज। जी हाँ, उस प्रोसेसर का साइज कितना है ये जरूर देखा करो, जितना छोटा साइज होगा उतना ही छोटा पैक बड़ा धमाका होगा। अभी लेटेस्ट 4 नैनोमीटर है मार्केट में, ये सबसे छोटा साइज है, बट 20,000 रुपीज में तो आपको 4 नैनोमीटर की चिपसेट नहीं मिलने वाली। अब आपको क्या करना है कि देखो, 6 नैनोमीटर या 7 नैनोमीटर तक तो आपको चिपसेट मिलनी चाहिए। जितना छोटा चिपसेट साइज होता है उतनी ही हीटिंग कम होती है, पावर कंजप्शन कम होता है और परफॉर्मेंस भी तगड़ा रहता है। इसके अलावा स्टोरेज टाइप, भाई इसको भी जरूर देखा करो, इसको ना बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, स्टोरेज टाइप बहुत ज्यादा मैटर करता है परफॉर्मेंस में। तो देखना, आजकल वैसे UFS ही ज्यादातर देखने को मिलता है इस बजट में, EMMC की तो छुट्टी हो चुकी है, सो UFS में भी जितना ज्यादा मिल जाए उतना बेटर रहेगा। अभी मैक्सिमम 4.0 तक आ चुका है, लेकिन आपको 20,000 के अराउंड 2.2 या 3.1 ये तो मिलना चाहिए। 20,000 रुपीज में 3.1 बहुत ही अच्छा स्टोरेज टाइप रहता है। इसके अलावा लास्ट में रैम का टाइप भी देख लिया करो, LPDDR5 है या 4X5 होगी तो ज्यादा बेटर रहेगी, रैम मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा। तो बस ये कुछ छोटे छोटे कॉमन पॉइंट्स बताए हैं मैंने अभी, ज्यादा डिटेल में अगर कहोगे तो अगली वीडियो में बात कर लेंगे। अब कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और चलो बात करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं इन्फिनिक्स जीरो 5G से। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई है, एंड कुछ टाइम पहले हमारे एक टीममेट ने भी ये फोन परचेस किया था 15,000 रुपीज में। जी हाँ, तो देख लेना भाई, अगर कभी किस्मत अच्छी चल रही हो तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर जाकर चेक कर लेना, अगर प्राइस कम मिल जाती है तो टूट पड़ना। वैसे अभी एक और फोन इन्फिनिक्स ने इसी बजट में लॉन्च किया है, उसका परफॉर्मेंस भी मुझे कमाल का लगा, इन्फिनिक्स 020, बट वहाँ पर एक दिक्कत है यार कि वो 5G फोन नहीं है, दैट्स व्हाई बस मैं उसे रिकमेंड नहीं कर रहा। अगर किसी को 5G से मतलब नहीं है तो फिर डेफिनेटली इन्फिनिक्स 05G से ज्यादा बेटर रहेगा इन्फिनिक्स 020। सो यहाँ पर देखो, एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिल जाएगा, Dimensity 900 चिपसेट है, 2.4 GHz की क्लॉक स्पीड मैक्सिमम जा सकती है। परफॉर्मेंस भाई मुझे काफी अच्छा लगा, गेमिंग में भी आराम से कर सकते हो, हाँ थोड़ी सी जिटरिंग मुझे लगी है। इसके अलावा UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पर बहुत से फोन से जो कि 25,000-30,000 तक आते हैं उनमें भी भाई UFS 3.1 नहीं मिलता। इसके अलावा ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 48 MP वाइड, 13 MP टेलीफोटो लेंस भी दिया है इन्होंने, अमेजिंग। हाँ ठीक है, क्वालिटी आपको नेक्स्ट लेवल की नहीं मिलेगी, बट यार फिर भी इसका कैमरा सैंपल्स मैं आपको दिखाता हूँ, काफी अच्छे फोटोज निकाल देता है डेफिनेटली। कैमरे में भी भाई इस फोन को मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं कहूंगा। हाँ बट अगर पोर्ट्रेट वीडियोस बनाना चाहते हो तो मत बनाना, वीडियोग्राफी आप बहुत अच्छी नहीं कर सकते बट फोटोज कमाल की निकाल देता है। इसके अलावा वाईफाई 6 डुअल बैंड वाईफाई, फिंगरप्रिंट साइड में लगा सकते हो, 5000mAh की बैटरी है 33W की फास्ट चार्जिंग के साथ, सो ओवरऑल अच्छा फोन है, कंसीडर कर सकते हो, डेफिनेटली पसंद आएगा। और अगर इसके ऊपर एक पूरा प्रॉपर रिव्यू चाहते हो, आफ्टर यूज रिव्यू चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, बना देंगे तुम्हारे लिए, और तुम लाइक कर दो हमारे लिए। 5G बैंड से इन्होंने भर भर के डाले, सो 5G कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं होने वाला, बिंदास 5G चलाओ। सो ओवरऑल अच्छा फोन है, कंसीडर कर सकते हो, ब्लॉटवेयर्स वगैरह तो रहेंगे अपनी जगह, और इसका UI यार मुझे पर्सनली मतलब ज्यादा अच्छा नहीं लगता। हाँ कुछ फीचर्स इन्होंने काफी कमाल के दिए हैं जो कि अदर किसी UI में नहीं मिलते, बट फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्हें काम करने की जरूरत है। इन्फिनिक्स अगर अपने UI पर भी थोड़ा सा ध्यान दे ले तो ये कंपनी काफी आगे जा सकती है। ओके, अब नेक्स्ट है रियलमी का 9 5G SE स्पीड एडिशन। अभी देखो, इन्फिनिक्स जीरो जो मैंने बताया वो एक ऑलराउंडर फोन किसी तरह काम करता है, स्पेसिफिक किसी एक चीज को टारगेट नहीं करता, जैसे कि सिर्फ गेमिंग को टारगेट नहीं करता, गेमिंग के साथ साथ आप और चीजें भी अच्छी कर सकते हो, बट ये जो फोन है यहाँ पर आप गेमिंग बहुत ही अच्छी कर सकते हो, और चीजें भाड़ में गई। अब देखो यहाँ पर चिपसेट है स्नैपड्रैगन 778G, बिग ब्रदर ऑफ पाले जी, G4 जीनियस मेरी तरह। वैसे स्नैपड्रैगन 778G से जो लोग अभी तक नहीं मिले हैं उनको जरा मिलवा दूं, भाई कमाल की चिपसेट है डेफिनेटली। अगर ये चिपसेट आपको 25,000 के फोन में भी मिलती है तो भी आप डेफिनेटली उससे परफॉर्मेंस के लिए कंसिडर कर सकते हो, यहाँ तो 20,000 में ही मिल रही है, गेमिंग के लिए बहुत ही कमाल का फोन है। अभी जो मैंने आपको इन्फिनिक्स 05G बताया उससे बेटर परफॉर्मेंस है यहाँ पर, बट यहाँ पर मुझे एक चीज़ की कमी लगी कि स्टोरेज टाइप इन्हें थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था, UFS 2.2 से ही इन्होंने काम चलाया है। इसके अलावा यहाँ पर भी वही IPS डिस्प्ले है, 144Hz की रिफ्रेश रेट है, सो 144Hz होने की वजह से गेमिंग तो भाई
और प्रोटेक्शन के नाम पर यहाँ गोरिल्ला ग्लास नहीं है, पांडा से काम चलाना पड़ेगा। बाय द वे गोरिल्ला इज स्लाइटली बेटर देन पांडा। एंड्रॉइड 12 मिल जाएगा, वो तो इन्फिनिक्स जीरो में भी था। कैमरे के नाम पर 48 मेगापिक्सल का वाइड लेंस है, 2 मेगापिक्सल मैक्रो, इनडेप्थ अल्ट्रा वाइड या टेलीफोटो नहीं है, तो यहाँ पर भी कंपनी ने पैसे बचा लिए। वाईफाई 6 है, डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.2, फिंगरप्रिंट साइड में लगा सकते हो, एंड 5000 एमएच की बैटरी है 30 वाट की जादुई चार्जिंग के साथ। वैसे ये जादुई वर्ड को सीरियस मत लेना, मैंने वैसे ही बोल दिया। हाँ तो भाई ये फोन है, ठीक ठाक सा फोन है, 5G वगैरह है। हाँ ठीक है, सिर्फ 5 ही बैंड्स हैं, पर अच्छी बात ये है कि पांचों ही इंडिया में लॉन्च हुए हैं। लो बैंड्स यहाँ कम है बट मिड बैंड्स हैं, तो ठीक ठाक सी 5G कनेक्टिविटी मिल जाएगी। बाय द वे अपनी राय भी जरा कमेंट में शेयर कर देना, वीडियो कैसी लग रही है, फोन्स कौन से पसंद आ रहे हैं और मुझसे कितना प्यार करते हो। ओके सो नेक्स्ट है रेडमी का K50i। यार इससे अच्छा गेमिंग फोन आपको मार्केट में नहीं मिलने वाला। अभी तो मैं इसे 20,000 रुपीज में रिकमेंड कर रहा हूँ, बट अगर आपका बजट ज्यादा है सो 28 तक भी इससे बेटर गेमिंग फोन मार्केट में नहीं है। इससे अच्छा परफॉर्मेंस भाई किसी और फोन के पास नहीं है फिलहाल। बट हाँ एक दिक्कत है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस ही अच्छा है, बाकी चीजें बस ठीक ठाक है, काम चलाओ। सो यहाँ पर देखो प्रोसेसर है डायमेंसिटी 8100 और ये कमाल का प्रोसेसर है, मजा ना आए तो पैसे वापस, अगर रेडमी वाले दे तो ले लेना। सो डेफिनेटली प्रोसेसर तो बेटर है ही, साथ में स्टोरेज टाइप भी UFS 3.1 है और हाँ रैम टाइप LPDDR5 और साथ में 144Hz रिफ्रेश रेट, तो इन सभी के कॉम्बिनेशन से भाई परफॉर्मेंस कमाल का मिलता है। दैट्स वाई मैं इस फोन को रिकमेंड कर रहा हूँ, आंख बंद करके परफॉर्मेंस के लिए कंसीडर कर सकते हो। पर हाँ कंसीडर करने से पहले जैसा कि मैंने बताया भाई प्राइसेस अप डाउन होती रहती हैं, तो देख लेना जब भी परचेज करने वाले हो, लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा जहां से रियल टाइम प्राइस चेक कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो। अब यार देखो एक चीज़ आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी कि यहाँ पर AMOLED नहीं FFS LCD डिस्प्ले है। अब FFS आई थिंक आपने इसी फोन में सुना होगा, इसका मतलब है कि IPS डिस्प्ले जैसी ही है बट हाँ थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट है, AMOLED जितनी तो नहीं है बट IPS से स्लाइटली बेटर कह सकते हो 19:20। बाकी कलर्स वगैरह सभी बिल्कुल IPS जैसे ही मिलेंगे। 144Hz रिफ्रेश रेट बहुत ज़्यादा है, HDR10 है, डॉल्बी विजन है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्प्ले की क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश की गई है। वैसे HDR10 डॉल्बी विजन ये आपके तभी काम आएगा जब आप रिचार्ज भी करवाते हो इसका, मतलब नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम का, यूट्यूब पर तो है नहीं। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है तो ये अच्छी बात है, अपने फ़ोन से थोड़ा बहुत खिलवाड़ कर सकते हो। कैमरे के नाम पर 64 मेगापिक्सल का वाइड लेंस है बिना OIS के, कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक से मिलेगी, अल्ट्रा वाइड लेंस भी दिया है 8 मेगापिक्सल का, ठीक ठाक से फोटोज ले सकते हो, कैमरा आपको दुखी नहीं करेगा, ठीक है। वाईफाई 6 है, डुअल बैंड वाईफाई तो रहेगा ही, ब्लूटूथ 5.3, फिंगरप्रिंट साइड में लगाना होगा जी हाँ। अब यहाँ पर AMOLED डिस्प्ले तो है नहीं, 5080 mAh की बैटरी है, 80 mAh बढ़ाकर हम परेशान कर दिया इन्होंने, और हाँ 67W की फास्ट चार्जिंग भी दी है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए डेफिनेटली कमाल का फोन है। डिजाइन वगैरह में भी आपको अच्छा ना लगे, नीचे की चिन काफ़ी ज़्यादा है, हाँ बट पंच होल डिस्प्ले है, वाटर ड्रॉप नहीं है, ये अच्छी बात है। बाय द वे 5G बैंड्स भी काफ़ी सारे हैं, सो 5G कनेक्टिविटी में भी इश्यूज नहीं होंगे। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज अच्छा फोन है, कंसीडर कर सकते हो, ऑफर में 20 तक आ जाता है और नॉर्मल प्राइस इसकी 23-24 तक रहती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, चेक कर लेना। ओके अब देखो लास्ट में एक और अच्छा फोन बताता हूँ, इसमें ना गेमिंग भी कर सकते हो और चीज़ों में भी बेटर है, कैमरा हो डिस्प्ले हो सभी चीज़ें एक डिसेंट सा परफॉर्मेंस देती है, सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस को ही ये टारगेट नहीं करता, तो हम इसे एक ऑलराउंडर फोन कह सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट IQ Z6 Pro। यस ब्रो अब देखो इसकी भी ना वही कहानी है, प्राइस कम ज़्यादा हो जाती है, रेगुलर प्राइस वही 23-24 है बट सेल में इसकी प्राइस 20 तक आ जाती है बैंक ऑफर्स लगाकर, इसी वजह से मैंने इसे भी लिस्ट में रखा है, ये भी अच्छा फ़ोन है, छोड़ने का मन नहीं किया। बट आपको जब भी फोन परचेज करना हो आप अपनी पॉकेट देखना और इनकी प्राइसेस देखना। बाय द वे एक चीज़ और बता दूँ, रेडमी और ये IQ Z6 Pro अगर ये आपको ऑफर में भी नहीं मिलते हैं 24 तक भी अगर आप इसे लेते हो तो ये कहीं से भी ऐसा नहीं है कि वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, अपने पैसे गलत जगह खर्च नहीं करोगे। बाय द वे प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 778G जो कि अभी रियलमी 9 5G AC में था, बट यहाँ पर AMOLED डिस्प्ले है 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ और इसकी डिस्प्ले यार काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, थोड़ा सा लाइट वेट है फोन अगर हम इसे और फोन से कंपेयर करें। 5G के लिए 8 बैंड से दिए हैं और ये 8 ही बैंड से इंडिया में लॉन्च हुए हैं, सो 5G कनेक्टिविटी भी अच्छी मिल जाएगी। और अब बात करते हैं कैमरे की, कैमरा यार मुझे इसका सीरियसली काफ़ी इंप्रेसिव लगा, हाँ डे लाइट में ज़्यादा बेटर रिजल्ट है, लो लाइट में स्ट्रगल करता है, लो लाइट फोटोग्राफी बेटर नहीं है बट भाई डे लाइट में कमाल की फोटोज निकाल सकते हो। OIS भी अगर ये लोग लगा देते तो ज़्यादा बेटर होता, OIS नहीं है, 4K वीडियो 30fps तक रिकॉर्ड कर सकते हो। वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.2, फिंगरप्रिंट अंडर डिस्प्ले, 4700 mAh की बैटरी है, 66 वाट की चार्जिंग के साथ। ओवरऑल इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर फोन, यहाँ पर परफॉर्मेंस के साथ साथ और स्पेक्स भी बेटर हैं, अब देख लेना भाई आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। इसी वजह से मैंने इन चारों फोन्स को थोड़ा अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है।
सिर्फ गेमिंग करनी है बजट में आपके आता है रेडमी K50i सबसे बेटर फोन है। इसके अलावा सिर्फ गेमिंग ही करनी है तो सेकंड ऑप्शन है आपके पास रियलमी 9 5G SE। और अगर परफॉर्मेंस के साथ साथ और चीज़ें भी बेटर चाहिए, कैमरा डिस्प्ले, देन मैं रिकमेंड करूंगा IQ Z6 Pro। वैसे इसी का एक अल्टरनेटिव है वीवो का T1 Pro, दोनों में से कोई भी कंसीडर कर सकते हो, दोनों जुड़वा भाई हैं। और ऐसे ही अगर आपका बजट थोड़ा कम है और अच्छा ऑलराउंडर फ़ोन चाहते हो जिसमें कैमरा परफॉर्मेंस सभी ठीक ठाक मिल जाए, तो फिर अगर 16-17 हज़ार तक में आपको इन्फिनिक्स 05G मिलता है तब मैं एक रिकमेंड करूंगा कि आप उसे कंसीडर कर सकते हो। और अगर 5G से लेना देना नहीं है तो फिर इन्फिनिक्स 020 ज़्यादा बेटर है, बट हाँ वो 5G नहीं है। सो ओवरऑल जितना मैं समझा सकता था भाई समझा दिया, बट फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में थोड़ी देर मेरा सर खा लेना, ठीक है बर्दाश्त कर लूंगा, मजाक कर रहा हूँ भाई, पूछ लेना कमेंट में, इंस्टा पर भी पूछ सकते हो। चलो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।